हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नवीन अग्रवाल। मैं एक इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट और गुजरात के वलसाड और वापी ज़िले में प्रैक्टिस करता हूं। आज आपके लिए एक इंपॉर्टेंट और एक यूजफुल टॉपिक, आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज का क्या रोल है पैल्पिटेशंस वाले पेशेंट में, पैल्पिटेशंस के इवैल्यूएशन में, पैल्पिटेशंस के मैनेजमेंट में, अलग अलग तरह के टैकीकार्डियाज में एक्सरसाइज करने से क्या फ़ायदा हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है और क्या एक्चुअली इसका रोल है। पैल्पिटेशन जिन लोग को हो रहा है, क्या उनको एक्सरसाइज करने के लिए बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, और बोलना चाहिए तो क्या सावधानियां रखना चाहिए, उस बारे में बात करेंगे। ये टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग और यूजफुल और प्रैक्टिकल यूटिलिटी का होगा उन लोगों के लिए जिन लोगों को मिस स्पीच या पैल्पिटेशंस का प्रॉब्लम है। बाकी लोगों के लिए भी यूज़फुल होगा, इसलिए रिक्वेस्ट करूँगा किसी एंड तक देखें। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसा करने से हमें चैनल को कंटिन्यू करने के लिए मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलती है। आते हैं आज का टॉपिक पर। आज का टॉपिक है एक्सरसाइज से पैल्पिटेशंस वाले पेशेंट्स में क्या मदद मिलती है और एक्सरसाइज से उनको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उस बारे में बात करेंगे। देखिए, एक्सरसाइज करने वाले लोगों का अगर वो रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज करते हैं, डेली दौड़ते, खासकर अगर वो एक्सरसाइज एरोबिक वाली करते हैं, वॉकिंग, रनिंग, जॉगिंग, योगा, प्राणायाम, स्विमिंग, डांसिंग, एरोबिक्स, इस तरह की चीज़ें करते हैं, तो इससे उनका स्टैमिना बढ़ता है। स्टैमिना बढ़ने से बॉडी का हार्ट रेट एक तरह से कम हो जाता है, बॉडी का वीगल टोन बढ़ता है, जिससे उनका हृदय गति कम हो जाती है। आपने काफ़ी एथलेटिक पर्सनालिटीज़ और एथलेटिक लोगों को देखा होगा, उनका बेसिक पल्स रेट ही 50-60 के आसपास चलता है। ऐसा होने का रीज़न ये है कि जब वो रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज करते हैं तो उनके हार्ट की एक तरह से बीट करने की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। एक बीट में ही, एक फोर्सिबल इजेक्शन में वो इतना ब्लड पंप कर देता है कि बॉडी को उससे ज़्यादा की रिक्वायरमेंट नहीं होती ब्लड की। एक मिनट में 40-50 बार धड़क के भी वो पूरे बॉडी का काम निपटा सकता है, अच्छे से काम कर सकता है। दूसरा चीज़ ये है कि ब्लड और टिश्यूज़ का ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट और उनके मेटाबॉलिज्म को भी इतना फेवरेबली इफेक्ट करता है कि टिश्यूज़ की ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट भी कंपेरेटिवली बेटर मैनेज होती है, बॉडी का सिस्टम एक तरह से और एफिशिएंट बन जाता है। एक तरह से मान के चलिए कि अगर कोई आदमी है, उसको अगर उसकी स्टैमिना अच्छी, उसकी कैपेसिटी अच्छी है और उसको 50 ब्लॉक्स एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना है या 100 ब्लॉक शिफ्ट करने हैं, तो अगर कोई दुर्बल आदमी है, कमज़ोर आदमी है जिसकी स्टैमिना फिटनेस अच्छी नहीं है, तो वो एक एक दो दो ब्लॉक करके शिफ्ट करेगा तो उसको 50 से 100 चक्कर लगेंगे सामान को एक जगह से दूसरी जगह करने में। वहीं किसी का अगर स्टैमिना बहुत अच्छा है, जिसकी फिजिकल कैपेबिलिटी बहुत अच्छी है, बिल्ड बहुत अच्छी है और वो एक बार में 10 ब्लॉक को उठा सकता है, तो वो 50 ब्लॉक को शिफ्ट करने में 5 चक्कर लगाएगा, 100 ब्लॉक को शिफ्ट करने में 10 चक्कर लगाएगा। यानी कि नंबर ऑफ टाइम्स जो उसको रेपिटेशंस करने पड़ेंगे वो कई गुना का फ़र्क पड़ जाएगा अगर उसकी कैपेसिटी अच्छी है। तो जो आदमी को एक ब्लॉक उठा सकता है और जो आदमी 10 ब्लॉक उठा सकता है, उसका जितना एफर्ट उसको करने की ज़रूरत है या जितना मेहनत उसको करने की ज़रूरत है एक रूटीन काम को फिनिश करने के लिए, काम सेम ही है जितना उनको करना है, यानी 50 ब्लॉक या 100 ब्लॉक को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना है, लेकिन वो करने में जितना एफर्ट एक अच्छे बिल्ट वाले व्यक्ति को लगेगा, अच्छी फिटनेस वाले व्यक्ति को लगेगा, वो कई गुना कम होगा एज़ कम्पेयर टू वो व्यक्ति जिसका ना स्टैमिना है और ना उसकी एक्सरसाइज कैपेसिटी है और ना वज़न उठाने की क्षमता। तो वो ये है कि अगर आप रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज करते हो, अपनी बॉडी इम्प्रूवाइज़ करते हो, अपना स्टैमिना को इम्प्रूवाइज़ करते हो, तो आपका एफर्ट रिक्वायरमेंट कम हो जाएगा, आपको कम चक्करों में वो काम आपका हार्ट और आपका बॉडी कर सकेगा। एक्सरसाइज में भी यही कॉन्सेप्ट है। ज़्यादातर एक्सरसाइज तब होता है जब बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स बनते हैं, ज़्यादातर पैल्पिटेशन तब होता है जब बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स बनते हैं, और ये स्ट्रेस हार्मोन्स ज़्यादातर आपके अबनॉर्मल फोकाई जो हैं या जिसमें अबनॉर्मल जहाँ से करेंट निकलता है उसको एक्टिवेट करते हैं, जिसकी वजह से लोगों को पैल्पिटेशंस होते हैं। दूसरा, पैल्पिटेशंस होने का एक ये भी रीज़न है कि जो हमारी हृदय का गति जो साइनस नोड से कंट्रोल होता है उसको भी ये स्ट्रेस हार्मोन स्टिमुलेट करते हैं, और जिसकी वजह से हम ज़्यादा भी चलते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं तो हमारी गति बढ़ जाती है, धड़कन ज़्यादा महसूस होने लगती है। लेकिन जब हम रेगुलर बेसिस पर दौड़ते हैं, भागते हैं, मैराथन करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो हमारा स्टैमिना इंप्रूव हो जाता है, हमारी एक्सरसाइज कैपेसिटी इंप्रूव हो जाती है और ओवरऑल जो स्ट्रेस हार्मोन लेवल है बॉडी में वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। इसकी वजह से आपका साइनस टैकीकार्डिया यानी जो साइनस नोड की एक्टिवेशन है वो एक तरह से कम हो जाएगा, वेगल टोन बॉडी का बढ़ जाएगा, तो आप उतना ही मेहनत या दौड़ने भागने का काम या सीढ़ी चढ़ने का काम करोगे तो हृदय गति को जो नॉर्मल व्यक्ति में 60-70 से हृदय गति 125-150 पहुँच जाती है, अगर स्टैमिना अच्छा हो तो वो गति 60-70 से 80 या 90 या 100 तक जाएगी, उससे ज़्यादा नहीं जाएगी, तो आपको धड़कन का महसूस नहीं होगा, पैल्पिटेशन नहीं होंगे। तो पैल्पिटेशन वाले पेशेंट्स के लिए, ज्यादातर लोगों के लिए एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। हाँ, ये एक थोड़ा सा इसमें कैच है कि अगर किसी को अरिदमिया हो रहा है या धड़कारे की अनियमितता है तो कुछ अरिदमिया ऐसे हो सकते हैं जो धड़कन जिनका प्रॉब्लम एक्सरसाइज करने से बढ़ जाए।
तो ये चीज़ कुछ अरिथमियाज एक्टोपिक्स जो है एक्सरसाइज से प्रोवोक भी हो सकते हैं, तो वो चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना है। लेकिन अगर आप रेगुलर बेसिस में और ग्रेडेड बेसिस पे एक्सरसाइज कर रहे हो तो डेफिनेटली वो स्ट्रेस हॉर्मोन्स का चक्कर नहीं होगा, क्योंकि ये पैल्पिटेशन जो प्रोवोक हो रहे हैं वो भी स्ट्रेस हॉर्मोन्स की वजह से बढ़ रहे हैं। तो यानी हम स्ट्रेस टेस्ट या ट्रेडमिल पर भी जो दौड़ाते हैं लोगों को, उसमें भी सडन बॉडी में, क्योंकि पहली बार हम इतना मेहनत का काम कर रहे होते तो स्ट्रेस हॉर्मोन्स बहुत बनते हैं और वो अरिथमियाज को प्रोवोक करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं। लेकिन अगर आप डेली बेसिस पर एक्सरसाइज कर रहे हो, डेली आप दौड़ने भागने का काम कर रहे हो, स्टैमिना को बढ़ा रहे हो, तो फिर आपका स्ट्रेस हॉर्मोन्स को उतना एक्टिवेट होने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो डेफिनेटली आपका जो अरिथमिया प्रोवोक होने का चांसेस है और टैकिकार्डिया होने का चांसेस है वो कंपैरेटिवली कम हो जाएगा। हाँ, कुछ अरिथमिया के फॉर्म्स होते हैं जो एक्सरसाइज में डेंजरस हो सकते हैं, तो वो आपको डॉक्टर से डिस्कस करना पड़ेगा वो पर। लेकिन 99.9% केसेस में वैसा नहीं होता। ज़्यादातर केसेस में जो पैल्पिटेशंस होते हैं वो मिस्ड बीट्स की वजह से होते हैं, एक्टोपिक्स की वजह से होते हैं, या हार्ट अटैक की वजह से कोई टिश्यू अगर डैमेज हो गया तो उसकी वजह से होते हैं। हार्ट अटैक वाले केसेस में ऑब्वियसली ये एक्सरसाइज से उतना फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वो उनका मैकेनिज्म जो है धबकारे का प्रॉब्लम होने का वो अलग है। लेकिन फिर भी डायरेक्ट वे में ना से इनडायरेक्ट वे में भी कोलैटरल्स को खोल के, टिश्यू हीलिंग को इम्प्रूव करके, पंप फंक्शन को इम्प्रूव करके, ओवरऑल एक्सरसाइज आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा ही करेगा, कम नहीं, कोई नुकसान नहीं करेगा। इसलिए एज़ फार एज़ पॉसिबल ज़्यादातर पैल्पिटेशन वाले पेशेंट को, चाहे कोई भी कारण से पैल्पिटेशन हो रहा हो, चाहे वो अरिथमिया का पैल्पिटेशन हो, चाहे वो मिसबीट्स का हो, चाहे वो नॉर्मल साइनस टैकीकार्डिया हो, सबको ही एक्सरसाइज करने से फ़ायदा होगा। और कंपेरेटिवली उनको जितना ज़्यादा और जितना ग्रेडेड वे में एक्सरसाइज करेंगे उतना फ़ायदा ज़्यादा होगा। उनको ऐसा नहीं करना है कि एक दिन में मैराथन दौड़ ली और बाकी पूरे महीना रेस्ट, वैसा नहीं करना है, क्योंकि जिस दिन भी वो मैराथन पूरा दौड़ेंगे उस दिन उनका स्ट्रेस हार्मोन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और उस दिन जान जाने का रिस्क और अरिथमिया बढ़ने का चांस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो आपको एहतियात ये रखना है कि सडन स्पर्ट्स में एक्सरसाइज नहीं करना है, आपको डेली बेसिस में ग्रेडेड वे में एक्सरसाइज करना है, धीरे धीरे करके एक्सरसाइज को बढ़ाना है, तभी आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, तभी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा एक क्रोनोट्रोपिक कॉम्पिटेंस करके भी एक इशू होता है जो गति कम होने वाले पेशेंट्स में यूज़ किया जाता है। इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए भी हम यूज़ करते हैं कि अगर किसी व्यक्ति की समझ लीजिए 40-50 की गति है तो दौड़ने पर उसकी गति कितनी बढ़ पा रही है, इसको असेसमेंट किया जाता है ट्रेडमिल के द्वारा। ट्रेडमिल पर हम पेशेंट को दौड़ने को कहते हैं और उसका ECG रिकॉर्डिंग करते हैं और उसमें हम देखते हैं कि बेसलाइन हार्ट रेट से जब वो पीक एक्सरसाइज पर दौड़ रहा है या पूरा स्ट्रेस कर रहा है तो हृदय गति नॉर्मल तरह से बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। अगर गति नॉर्मल तरह से बढ़ रही है तो इसका मतलब पेशेंट का जो ये गति कम होना है वो किसी बीमारी के वजह से नहीं है, वो वेगल टोन ज़्यादा होने की वजह से, और व्यक्ति का ओवरऑल स्ट्रेस टॉलरेंस और एक्सरसाइज कैपेसिटी अच्छी है। पर अगर एक्सरसाइज के दौरान उसकी गति नहीं बढ़ पा रही है, उसकी गति जितना टारगेट हमारा हार्ट रेट अचीव करना है उसका 40-50% भी वो अचीव नहीं कर पा रहा, तो वैसे केसेस में आपको उसका क्रोनोट्रोपिक कॉम्पिटेंस खराब माना जाएगा। और वैसे केसेस में अभी नहीं भले, लेकिन आगे चल के वैसे पेशेंट में पेसमेकर की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर किसी का क्रोनोट्रोपिक कॉम्पिटेंस खराब है और रिदम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है तो हो सकता है तुरंत भी पेसमेकर करना पड़े। पर किसी का क्रोनोट्रोपिक कॉम्पिटेंस ठीक ठीक है, एवरेज, और बहुत सिम्टम्स नहीं है तो आप कुछ साल उसको काम चला सकते हैं, दवाइयों पर मैनेज कर सकते हैं, बाद में अगर ज़रूरत पड़े तो पेसमेकर की ज़रूरत भी पड़ सकती है। क्रोनोट्रोपिक कॉम्पिटेंस ज़्यादातर पैल्पिटेशंस वाले पेशेंट में नहीं किया जाता, ज़्यादातर जिनका धबकारा कम है, गति कम है, उसमें किया जाता है। ये एक्सरसाइज टेस्ट का एक और यूज़ है उन लोगों को जिनको पैल्पिटेशंस हो रहा है या जिनको धबकारे का प्रॉब्लम हो रहा है, उसमें उस कॉन्टेक्स्ट में इस एक्सरसाइज टेस्ट का यूज़फुल है, इसलिए मैंने आपको इसमें डिस्कस किया। गति ज़्यादा होने वाले टेस्ट कंडीशन में क्रोनोट्रोपिक कॉम्पिटेंस देखने का मतलब नहीं, गति कम होने वाले केसेस में जिनकी गति नॉर्मल से भी ज़्यादा कम दिख रही है वहाँ पे इसको असेसमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है, जिन लोग को भी इनअप्रोप्रिएट साइनस टैकीकार्डिया है, यानी हृदय गति जितनी होनी चाहिए उससे ज़्यादा ही साइनस नोड एक्टिवेट हो रहा है, उससे ज़्यादा ही साइनस नोड स्टिमुलेट हो रहा है, ज़्यादा गति पर हृदय धड़क रहा है जितना उसको करना चाहिए उससे ज़्यादा, वैसे लोगों में भी एक्सरसाइज का अच्छा रोल है। एक्सरसाइज करने से ऑब्वियसली जैसे मैंने कहा वेगल टोन बढ़ेगा, स्ट्रेस हॉर्मोन्स कम होंगे, साइनस नोड का एक्टिवेशन कम होगा, तो इस तरह के पेशेंट्स में भी दवाइयों के अलावा रेगुलर बेस पे एक्सरसाइज करना बहुत यूज़फुल है। जिन लोग को रिदम डिसऑर्डर्स है, अरिथमियाज है, उसमें एक्सरसाइज को में से आपको इनडायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा। बॉडी का एक तरह से स्ट्रेस हार्मोन लेवल कम होगा और हार्ट का पंप फंक्शन थोड़ा सुधरेगा, कोलैटरल्स खुलेंगे, तो थोड़ा सा उनको इनडायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा। वैसे लोगों में डायरेक्ट बेनिफिट उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ एक्सरसाइज का अगर वो कर भी रहे हैं तो उसमें कुछ नुकसान नहीं है, कुछ ना कुछ उनको फ़ायदा मिलेगा।
पैल्पिटेशन वाले पेशेंट्स को एक्सरसाइज में ज़्यादातर एरोबिक एक्सरसाइज पे ही फोकस करना चाहिए, वॉकिंग, रनिंग, जॉगिंग, स्विमिंग, डांस, ये सारी चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। वो सारी चीज़ें जो आपके स्टैमिना को टेस्ट करती हैं, वो सारी चीज़ें जिसमें आपकी सांस फूलती है, वही चीज़ आपकी इसमें भी मदद करेगी। बैठे बैठे रहने के वजन उठाने वाला एक्सरसाइज, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज जिसे बोलते हैं, वो सारी चीज़ें करना, पुशअप्स करना, डिप्स करना, लंजेस करना या उठक बैठक करना, वो एक्सरसाइजेज इसमें उतनी बेनिफिट नहीं करेंगे जितना कि दौड़ने भागने वाली एक्सरसाइज है, यानी एरोबिक एक्सरसाइज पर आपको फोकस करना है। इसमें आपको बस ये चीज़ों का ध्यान रखना है कि अगर पैल्पिटेशन का प्रॉब्लम है तो आपको आपकी एक्सरसाइज ग्रेडेड वे में बढ़ानी है, सडनली नहीं बढ़ाना। जैसे कि मैंने कहा कि स्पर्ट्स में अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो वो हार्ट पेशेंट्स के लिए सब तरह के पेशेंट्स में बुरा है, तो आपको धीरे धीरे करके आपकी एक्सरसाइज को एक लेवल पर लेकर जाना है। एक दिन आपने 2 किलोमीटर दौड़ा, फिर 2.25, फिर 2.5, फिर 3, फिर 4, इस तरह से कर करके अपना स्टैमिना बढ़ाना है, तो ही आपका बेटर परफॉर्मेंस आएगा। और अगर बीच में कहीं गैप हो गया या आपका कोई 15-20 दिन या 1 महीने के लिए आपकी एक्सरसाइज छूट गई, आप कहीं चले गए, एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं, तो जब रीस्टार्ट भी कर रहे हैं तो भी उसको स्लो और ग्रेडेड वे में ही करना है, सडन स्पर्ट्स में नहीं करना है, नहीं तो उससे आपको उतना ज़्यादा फायदा नहीं होगा, उल्टा नुकसान भी हो सकता है। इस टॉपिक के माध्यम से मैंने एक्सरसाइज और पैल्पिटेशंस की कोरिलेशन पर आपको बात की कि एक्सरसाइज के पेशेंट्स में पैल्पिटेशंस में क्या एक्सरसाइज करने से क्या फ़ायदा मिलेगा पैल्पिटेशन वाले पेशेंट्स को, और मैंने ये डिस्कस करने की कोशिश की कि जो जो साइनस टैकीकार्डिया के खासकर पेशेंट्स हैं उसमें तो डेफिनेटली उनको एक्सरसाइज करने से काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। अरिथमिया के पेशेंट्स में उनका बेनिफिट कितना है कितना नहीं वो थोड़ा डाउटफुल है, इनडायरेक्ट बेनिफिट ज़्यादा है, डायरेक्ट बेनिफिट कंपेरेटिवली कम है, लेकिन डॉक्टर से पूछ के आप उनको कर सकते हैं, कुछ ना कुछ बेनिफिट ही होगा, बहुत ज़्यादा ऐसा लॉस नहीं होगा, बहुत रेयर केसेज में होगा, कुछ कुछ केसेस में जो रेयर जेनेटिक अबनॉर्मलिटीज है उसमें कभी कभार जान का रिस्क हो सकता है, पर ज़्यादातर केस में वैसा नहीं होता, 99.9% में इतना दिक्कत नहीं आना चाहिए। मेरे चैनल का बेसिक पर्पज ये है कि हार्ट और हेल्थ रिलेटेड साइंटिफिकली करेक्ट इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए इजीली अवेलेबल करते हैं, ताकि इस तरह के कंटेंट के लिए आपको भटकना नहीं पड़े, आपको डॉक्टर्स और फ्रेंड्स और रिलेटिव्स पर डिपेंडेंट ना होना पड़े। डॉक्टर्स कई बार टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से सारी चीज़ें नहीं बता पाते हैं, और फ्रेंड्स और रिलेटिव से मिली हुई इन्फॉर्मेशन कई बार आधी सही आधी गलत होती है, जिसको फॉलो करने से फ़ायदा होने के बदले उल्टा नुकसान हो जाता है। हम चाहते हैं कि इस तरह का कंटेंट आपके लिए इजीली अवेलेबल रहे, ताकि आप अपना बेटर मैनेजमेंट कर सके, पेशेंट को बेटर मैनेज कर सके, उनके खान पीने का बेटर ध्यान रख सके, उनकी लाइफ को बेटर बना सके, बीमारी के बारे में एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप हो जाए, ताकि आप पेशेंट को बेटर मैनेज कर सके। यदि आपको हमारे चैनल का कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है तो वीडियोज़ को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको लगता है कि कंटेंट आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के लिए यूजफुल है तो लिंक को उनके साथ शेयर कीजिए, और यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके कोई कमेंट्स क्वेरीज हैं या आपके कोई सजेशंस है कि किस वीडियो टॉपिक्स पर हमें वीडियो बनाना चाहिए, तो नीचे कमेंट सेक्शन में उनके बारे में बताइए, हम फ्यूचर में उन टॉपिक्स को कवर भी करेंगे, और कोशिश करेंगे एज़ फार एज़ पॉसिबल आपके सारे कमेंट्स और पेशेंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो भी आप हमें भेजते हैं उन्हें सॉर्ट आउट करने का। अंत में मैं डॉक्टर नवीन अग्रवाल तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने मेरे टॉपिक को एंड तक देखा, और उम्मीद करूँगा कि जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, हमें मोटिवेट और इंस्पिरेट करेंगे। जो लोग इस कंटेंट को इंग्लिश भाषा में देखना चाहते हैं उनके लिए कंटेंट डॉक्टर नवीन अग्रवाल इंग्लिश कार्डियो केयर करके एक सेपरेट टॉप चैनल हमने स्टार्ट किया, उस पर कंटेंट इंग्लिश में अवेलेबल है, आप चाहे तो उसे देख के सब्सक्राइब कर सकते हैं।